जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों की लगातार हो रही हत्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। इससे अब राज्य में सुरक्षा बलों की कुल 55 कंपनियां हो जाएंगी। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या। यूपी के कानपुर में जीका वायरस की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। जानकारी के मुताबिक जिले में 16 और नए मरीज मिले हैं। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 105 मरीज सामने आ चुके हैं। बढ़ते जीका वायरस के मामलों के मद्देनजर हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। आज और कल दिल्ली में 7 देशों की मीटिंग होगी। हालांकि पाकिस्तान ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया है। 3 महीने पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ। सत्ता बदलने के बाद भारत कूटनीतिक तौर पर अफगानिस्तान में कमजोर हुआ है। ऐसे में ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ में आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जबकि गुरुवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन हो जाएगा। पूर्वांचलियों के सबसे बड़े और पवित्र पर्व बिहार यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देशभर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते 40 दिन में सोने की कीमत 5.6% बढ़कर 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में मंगलवार को सोना 0.07% तेजी के साथ $1,825 प्रति औंस बिका। टेस्ला के मालिक एलन मस्क फिर एक बार अपने सोशल मीडिया बयान की वजह से घाटे में है। उनकी कंपनी के शेयर्स में 2 दिनों से चली आ रही गिरावट से उनको $50 अरब का घाटा हुआ है। फ्रेंच मीडिया में राफेल डील के लिए कमीशन देने के खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये कमीशन यूपीए सरकार में दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आई नीड कमीशन होना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दिग्गज क्रिकेटर, कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील दोषी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि ये दोनों ही टीमें बहुत दमदार हैं और फाइनल खेलने की हकदार है। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।